दोस्तों हमारे डेली लाइफ में हम जो विंडोज पीसी को यूज में लेते हैं वहाँ पे हम यूजुअली हमारे काम के अनुसार कुछ सॉफ्टवेयर्स, फोल्डर्स या फिर फाइल्स को एक्सेस करते हैं। तो इस काम को और ज्यादा फास्ट करने के लिए हम उन सभी को डायरेक्टली डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही ऑर्गेनाइजर में रखते हैं। अब कई बार हमारे विंडोज सिस्टम पे कुछ गड़बड़ी की वजह से जब भी हम सिस्टम को रिस्टार्ट या फिर रिबूट कर देते हैं तब उन सभी डेस्कटॉप आइकन्स ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो जाते हैं, जो कि हमें बहुत ही परेशान कर देते हैं। तो अगर आप भी सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हो देन आज की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं डेस्कटॉप आइकन्स रीअरेंज इशू को फिक्स करने की कुछ सिंपल सॉल्यूशंस। वेल, अगर आप बहुत सही फिक्सेस के बारे में जानना चाहते हैं देन इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पाल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हुए जाना है व्यू ऑप्शन पे, फिर इन सभी ऑप्शन में से ऑटो अरेंज आइकन्स साथ ही अलाइन आइकन्स टू ग्रिड ये दोनों को अनचेक करते हुए डिसेबल कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये दोनों ऑप्शन को डिसेबल कर ली है। अब आप अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए, अगर इस इश्यू फिक्स नहीं होता है देन आपको अगेन डेस्कटॉप स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हुए जाना है व्यू ऑप्शन पे, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तीन ऑप्शंस जो कि है लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल आइकन्स, जिसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको सिलेक्टेड देखने को मिलेगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे फिलहाल स्मॉल आइकन्स सिलेक्टेड है। अब इस सिचुएशन पे हमें ये तीन ऑप्शंस में से स्मॉल आइकन्स को छोड़ के बाकी दो ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेना है। से आज मैं मीडियम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अगेन वही व्यू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि पहले था, जो कि मेरे केस में स्मॉल आइकन्स है। अब आपको अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई करना है, अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जिसमें हम आइकन कैचर फाइल को डिलीट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आप विंडोज फाइल मैनेजर को ओपन कर लीजिए, फिर यहाँ से आपको सिस्टम ड्राइव को ओपन कर लेना है जो कि मेरे केस में है ड्राइव सी, देन इन सभी फोल्डर में से यूजर्स। अब यहाँ पे आपको वो यूजर अकाउंट फोल्डर को ओपन कर लेना है जिसपे आपको बेसिकली ये इशू देखने को मिल रहा है, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे टेक टिप्स एक्सप्रेस फोल्डर है। देन यहाँ पे आपको ढूंढना है ऐप डेटा फोल्डर को जो कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें मेनू बार में से व्यू मेनू को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एक ऑप्शन हिडन आइटम्स इसे आपको एनेबल कर लेना है। अब देखिए ये ऐप डेटा फोल्डर यहाँ पे शो होने लगे हैं, तो हमें इसको ओपन कर लेना है। अब इन सभी में से लोकल फोल्डर को, फिर इस लोकल फोल्डर पे आपको एक फाइल देखने को मिलेगा जो कि है आइकन कैचे, आपको इसे डिलीट कर लेना है। उसके बाद आप अगेन सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे, अगर नहीं हुआ है देन आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जहाँ पे विंडोज थीम पे जो डेस्कटॉप आइकन को चेंज करने की फीचर है उसे हम डिसेबल करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपली डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करते हुए जाना है पर्सनलाइज ऑप्शन पे, फिर आपके सामने विंडोज सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। अब इस विंडो पे लेफ्ट साइड पे देखिए कुछ ऑप्शंस है जिसमें से आपको थीम्स पे क्लिक कर लेना है। फिर आपके सामने विंडोज सेटिंग्स विंडो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह। उसके बाद राइट पैनल पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, इसे ओपन कर लेना है। ओके, अब इस डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स विंडो पे यहाँ पे एक ऑप्शन अलाउ थीम्स टू चेंज डेस्कटॉप आइकन्स इसे आपको अनचेक करते हुए डिसेबल कर लेना है। फिर इस चेंज को सेव करने के लिए अप्लाई एंड देन ओके। उसके बाद आप अगेन अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए, अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप नेक्स्ट फिक्स को ट्राई में लीजिए, जहाँ पे हम डिस्प्ले ड्राइवर को अपडेट करते हुए ट्राई करेंगे। तो इसके लिए आपको विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप करना है डिवाइस, फिर सर्च रिजल्ट में से डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करते हुए इसे ओपन कर लीजिए। अब डिवाइस मैनेजर विंडो पे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिस्प्ले अडैप्टर्स और इसके ठीक आगे एक एरो आइकन, आपको इस पे क्लिक करते हुए इसे एक्सपेंड कर लेना है। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्राफिक्स ड्राइवर, हमें इसे अपडेट कर लेना है। तो इसे अपडेट करने के लिए इस पे राइट क्लिक करते हुए आपको अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक कर लेना है, देन इस ऑप्शन को इनेबल करते हुए अनइंस्टॉल। आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लिस्ट में से डिस्प्ले अडैप्टर्स गायब हो चुके हैं,
अब इसे वापस पाने के लिए इस विंडो पे मेनू बार पे देखिए एक ऑप्शन एक्शन, आपको इस पे क्लिक करते हुए स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। इससे डिस्प्ले ड्राइवर वापस इस लिस्ट पे शो होने लगेगा। फिर आपको सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। सिस्टम रिस्टार्ट हो जाने के बाद हो सकता है आपके सिस्टम पे ग्राफिक्स इशू देखने को मिले, तो उस सिचुएशन पे आपको सिंपली विंडोज को अपडेट कर लेना है, नहीं तो आप अपडेट प्रोसेस को स्किप कर सकते हो। अब विंडोज को अपडेट करने के लिए आपको सिंपली विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लेना है और टाइप करना है अपडेट। फिर सर्च रिजल्ट में से चेक फॉर अपडेट्स पे क्लिक करते हुए विंडोज अपडेट सेटिंग्स को ओपन कर लेना है और यह से आप विंडोज को अपडेट कर सकते हो। अपडेट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने सिस्टम को अगेन रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे। अगर इससे भी इशू फिक्स नहीं होता है देन आप लास्ट फिक्स को ट्राई मिल लीजिए, जहाँ पे हम कमेंट प्रॉम्प्ट पे कुछ कमेंट को रन करते हुए ट्राई करेंगे। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो इसके लिए आप विंडोज सर्च बॉक्स को ओपन कर लीजिए और टाइप कीजिए CMD। फिर सर्च रिजल्ट में से कमेंट प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करते हुए इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है। ओके, अब कमेंट विंडो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ओपन होने के बाद आपको ये चारों कमेंट को एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाना है। तो मैं पहला वाला कमेंट को कॉपी कर लेता हूं। फिर कमेंट विंडो पे आकर राइट क्लिक करते हुए इसे पेस्ट कर लेना है एंड हिट एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ये सभी कमेंट्स आपको हमारा वेबसाइट techtipsexpress.com पे देखने को मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। ओके, अब नेक्स्ट कमेंट को हमें एग्जीक्यूट कर लेना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं देन कमेंट विंडो पे आकर राइट क्लिक करते हुए इसे भी पेस्ट कर लेना है एंड एंटर टू एग्जीक्यूट द कमेंट। ठीक इसी तरह बाकी दो कमेंट्स को भी हमें एक एक करके एग्जीक्यूट करते जाना है। अब लास्ट वाला कमेंट को भी एग्जीक्यूट कर लेना है। ओके, तो जैसे कि ये चारों कमेंट्स सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब आप कमेंट विंडो को क्लोज कर सकते हो। फाइनली आप अपने सिस्टम को अगेन रिस्टार्ट करते हुए ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो इशू था वो अभी तक फिक्स हो चुके होंगे। तो दोस्तों ने देखा किस तरह से हम कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हुए डेस्कटॉप आइकन्स रीअरेंज इशू को फिक्स कर सकते हैं, है ना बहुत ही सिंपल। आप भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट में शेयर जरूर करें आपके लिए कौन सा मेथड काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोज़ के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।